चरित्र को नियम पूर्वक जो श्रवण करते हैं उनके जीवन में सीय राम पद प्रेम अवश्य हो,
सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य हो जाता है। भरत चरित्र की का प्रारंभ हो रहा है श्री रामचरितमानस में। एक और अवध में अनर्थ उत्पात मचे, अयोध्या में विघ्नेश्वरी आई है। राम जी का वनवास हो चुका है और राम जी के प्रेम में दशरथ जी महाराज ने अपने देह का त्याग कर दिया है। अवध में अनर्थ उत्पात हो रहे हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अनर्थ अवध आरंभे जब ते, 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 कुछ गुण हो भरत कहो तब ते, कुछ गुण हो भरत कहो तब ते, अनर्थ अवध आरंभे जब ते, अनर्थ अवध आरंभे जब ते, अनर्थ अवध आरंभे। अवध में जब से अनर्थ उत्पात प्रारंभ हुए, कुशगुन हो ही भरत कहो तब ते, भरत जी महाराज को अपशगुन होने लगे। प्रेमानिष्ट संकी, प्रेम जब होता है ना तो अनिष्ट की आशंका हो ही जाती है। जिससे प्रेम होता है उसको अगर कोई कष्ट आवे, प्रेमास्पद को कष्ट आवे, तो प्रेमी के पास उसकी सूचना पहुंच जाती है। कुशगुन हो ही भरत कहूं तब थे, पर क्या आप सगुन होते हैं? देखहि रात भयानक सपना, 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 जागी जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जानरथ अवध आरंभे जब ते, अनरथ अवध आरंभे जब ते। देखहि राति भयानक सपना, रात्रि में बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखते हैं, और जागी करहि कटु कोटि कल्पना, और जब रात्रि में नींद खुल जाती है तो करोड़ों प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। और प्रातः काल जब उठते हैं ना, तो प्रातः काल उठ करके शिव का अभिषेक करते हैं। शिव अभिषेक करहि नित नाना, विप्र जमाए देहि बहुदाना। भरत जी नित्य शिव अभिषेक करते हैं और नाना प्रकार से शिव जी का अभिषेक करते हैं, और शिव जी का अभिषेक करके
भरत जी महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं। नित्य की स्थिति है भरत जी महाराज की, प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं। कुशल मातु पितु परिजन भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करके भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता परिवार के जन मेरे भाई सब कुशल से हों। और उसके पश्चात विप्र जिमाई देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन करा के और फिर दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये भरत की रहनी है, रह तो रहे हैं ननिहाल में लेकिन मन अहर्निश प्रभु के चरणों में ही लगा हुआ है। रह तो रहे ननिहाल में शरीर से पर मन 24 घंटे राम चिंतन में लगा है। और नेम भी है और प्रेम भी है, प्रेम तो है पर नेम नहीं छोड़ा। शिव अभिषेक कर ही नित नाना, प्रायः है लोग कई बार कहते हैं कि प्रेम होता है तो नेम छूट जाता है। जरूरी थोड़ी है कि प्रेम हो जाए तो नेम छूट ही जाएगा, हो सकता है किसी का छूट जाए पर ये कोई सिद्धांत नहीं है। प्रेम भी है और नेम भी है, नित्य शिव जी का अभिषेक करते हैं। और इतने में दूत आ गए, दूतों को कहा गया है कि भरत के पास जाकर केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, पिताश्री की मृत्यु का समाचार किसी को मत सुनाना, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घर पे कोई नहीं है, महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए यह सुधि अनत कहो जनिकाहू, जाके किसी से मत कहना, पता नहीं कोई आक्रमण कर दे, राजा से हीन है राजा। इसलिए सेवक आए और सेवकों ने आकर के भरत जी को गुरुदेव की आज्ञा सुनाई। भरत जी महाराज ने तुरंत बिल्कुल देर नहीं की और तीव्र वेग से घोड़े पर बैठे और तीव्र वेग से अवध की ओर चल पड़े। इतनी तीव्र वेग से जा रहे हैं भरत जी महाराज, कैसा वर्णन है, घोड़ों को इतनी तेज से दौड़ा रहे हैं कि पानी में उनके पैर पड़ते हैं और फिर नीचे धसते नहीं है, टाप उनकी बूढ़ती नहीं है, इतनी तीव्र वेग से जा रहे हैं।
बड़े बड़े नदियों को, बड़े बड़े पहाड़ों को नांगते हुए भरत जी महाराज चले जा रहे हैं, पर मन में एक आशंका है कि कहीं कोई ऐसा समाचार ना मिल जाए। मन में अनिष्ट की कल्पना हो रही है। भरत जी महाराज सेवकों के साथ, मन करता है एक बार सेवकों से पूछ लें, पर जैसे ही किसी सेवक की ओर देखते हैं तो सेवक मुख दूसरी ओर कर लेता है और अपने अपने दुपट्टे से अपने आंख के आंसुओं को पोंछकर ऊपर की ओर देखने लगता है कि क्या बताऊं, गुरुदेव की आज्ञा है, इनको कुछ बताना मत। भरत जी भी मारे भय के कुछ पूछ नहीं पाते कि पता नहीं कोई ऐसा समाचार ना सुना दे कि मैं ना सुन पाऊं। अवध में प्रवेश, और क्या दृश्य है, महाभाग्यवती अयोध्या भी आज उदास है क्योंकि राम का त्याग कर दिया है, राम चले गए हैं। आज क्षेम करी क्षेम नहीं पूछ रही है, आज श्यामा सुंदर सुंदर कंठ से गीत नहीं गा रही, तो क्या हो रहा है, आज तो कौवे की चीत्कार सुनाई पड़ रही है, कौवा बोल रहा है और कौवे की आवाज में भी आज कर्कशता नहीं है, कौवे की आवाज में भी है एक करुण पुकार। भरत जी चले जा रहे हैं, भरत जी का जैसे ही प्रवेश हुआ नगर में तो नगर की अट्टालिकाओं से हमेशा सुंदर भजन कीर्तन की आवाज आया करती। अवध के जो वासी थे वो सदा राम नाम का संकीर्तन और कीर्तन करते थे, पर आज अवध की अट्टालिकाओं से राम जी के भजन की कोई आवाज नहीं आ रही है। राम के भजन की आवाज बल्कि श्रृगाल और गर्दभ की ध्वनि हृदय को प्रकंपित कर रही है। आज कीर्तन नहीं सुनाई पड़ रहा है, आज गधे और सियार की वो बोली हृदय में चुभ रही है। भरत डर रहे हैं, क्या हो रहा है। अयोध्या के जो सरोवर थे जहां पर अवधवासिनी ललनाओं से जो भरे होते थे, आज वो सरोवर जन शून्य दिखाई पड़ रहे हैं। वो सरोवर में नहीं है आज किसी की भीड़, खाली, बिल्कुल खाली पड़ रही है। भरत जी के मन में एक संदेह, एक अनिष्ट की एक आशंका, क्या हो गया। सूर्योदय तो हो गया है पर सरोवर में आज कमल नहीं खिले, सूर्योदय होने के बाद भी कमल नहीं खिले, और भरत जी ने जब जाकर के देखा सरयू मैया की धारा मलान, भरत जी ने कहा ये क्या हो गया। सरयू मैया तो राम जी के स्पर्श से प्रफुल्लित रहती थी, आज सरयू की धारा इतनी म्लान क्यों है। फलों से लटके हुए वृक्ष आज सरयू जी के जल का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, मानो सरयू की धारा कह रही है आज मुझे स्पर्श मत करो, मौन रहने दो मुझे, आज मत छुओ मुझे। सरयू की धारा म्लान है, राम वनवास हो चुका है, वृक्षों के पत्ते गिरे हैं, पतझड़। भरत जी ने कहा ये क्या हो गया, क्या अयोध्या में दावाग्नि लगी थी, और अगर अवध में दावाग्नि लगी तो किसी ने उसे बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब कौन बताए भैया ये वो दावाग्नि है जिसे प्रलय काल के मेघ भी नहीं बुझा सकते, ये तो राम विरह की दावाग्नि है, कौन बुझा सकता है। भरत जी चले जा रहे हैं, अयोध्या का पूरा वातावरण बदला हुआ है,
मन करता है किसी से पूछे कि क्या हो गया। पर आप कल्पना करिए, अयोध्या के जो चौराहे जो लोगों से भरे रहते थे वो चौराहे आज जन शून्य है। दो चार व्यक्ति चौराहों पर खड़े हैं केवल, और वो दो चार व्यक्ति भी भरत जी को दूर से प्रणाम कर रहे हैं, कोई भरत जी के नजदीक नहीं जा रहा है। अरे इतना बड़ा अपमान, दूर से ही चार छह लोग खड़े भरत को प्रणाम कर रहे हैं। नहीं है अवध में आज भीड़, घर मसान परिजन जनु, घर मसान परिजन सुत हित मीत मन हो जमदूता, घर मसान परि जन जनु भूता, घर मसान परि जन असगुन हो ही नगर पैठारा, असगुन हो ही अपशगुन हो पै असगुन हो ही नगर बैठारा, असगुन हो ही नगर बैठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा, रटही कुभांति कुखेत करारा, असगुन हो नगर बैठा, असगुन हो असगुन हो। अब सगुन हो रहे हैं, भरत जी के मन में आ रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। भरत जी को लगा अगर मैं अपनी माँ कैकेयी के भवन में चला गया तो मुझे एक साथ सारे लोगों के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु राम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मेरी माँ कैकेयी को। तो जहां मेरी माँ होगी वहीं मेरे प्रभु राम होंगे, और जहां मेरे प्रभु राम होंगे वहीं मेरे पिता महाराज दशरथ होंगे, वहीं सब माताएं होंगी, वहीं मेरा भाई लक्ष्मण वहीं पर होगा। इसलिए भरत जी के मन में आया कि मुझे कैकेयी जी के भवन की ओर जाना चाहिए। घोड़े की गति को घुमा दिया कैकेयी भवन की ओर, और जैसे ही भरत जी कैकेयी भवन की ओर गए, अवध का जो समाज था वो कई भागों में बंट चुका था, अगर कहें कि तीन भागों में बंटा। एक भाग वो है जो कह रहा है राम के बन जाने में भरत का पूरा पूरा हाथ है, दूसरा भाग वो है जो बिल्कुल तटस्थ है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ नहीं बोलना चाहता है, और तीसरा भाग वह है जो कह रहा है अरे राम राम तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे अगर तुम ये कहोगे कि भरत का हाथ है राम के बन जाने में। तो जिन लोगों को भरत के ऊपर संदेह था उनका संदेह और प्रगाढ़ हो गया, आपस में चर्चा करने लगे, देखा हम तो पहले ही कह रहे थे कि बिना भरत की स्वीकृति के राम वनवास हो ही नहीं सकता है, और अगर इनकी स्वीकृति न होती तो क्यों जाते सबसे पहले अपने माँ की ओर, अगर इनकी स्वीकृति न होती तो भैया राम के महल में जा सकते थे, कौशल्या जी के महल में जा सकते थे, अपनी माँ के ही भवन में जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात है। पर भरत जी की कितनी दिव्य भावना थी, भरत जी किस भावना से अपनी माँ के पास गए, आइए हम दर्शन करें
भरत जी पहुंचे हैं कैकई भवन में और कैकई आरती की थाल लिए खड़ी है। कैसी निठुरता है। अभी महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर घर में रखा है और दौड़ी दौड़ी भरत जी के पास आई। भरत से कहती है, पूछत नैहर कुशल हमारे। बेटा, मेरे नैहर में सब कुशल से तो हैं। भरत जी ने संक्षेप में पूरी कुशलता कह सुनाई और उसके तुरंत बाद भरत जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अब यही भरत जी के कैकई भवन में आने का उत्तर है। एक ही बात में भरत जी ने कह दिया, कहो कहां तात कहां सब माता। 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 कहां सियारा सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहो कहां तात कहां सब माता। कहो कहां तात कहां। भरत जी अपनी मां से कहते हैं, हे मां, कहो कहां तात, मेरे पिता महाराज दशरथ कहां हैं, मेरी सब माताएं कहां हैं। कहो कहां तात कहां सब माता। कहां सिया राम मेरे सीताराम जी कहां हैं, और कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता मेरा भैया लखन कहां है। एक ही चौपाई में सबके बारे में पूछा, बताओ कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। कैकई ने कहा, बेटा मैंने सारी बात बना ली थी, विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया, मैंने सारी बात बना ली थी। क्या बात बिगड़ गई मां। कैकई जी ने कहा, बेटा बस एक बात बिगड़ गई, भूपति सुरपति पुर पगुधार। एक ही बात बिगड़ी है बस, कि तुम्हारे पिता का स्वर्ग में पदार्पण हो गया है। देखिए बोलने की शैली, देखिए विदुषी महिला थी कैकई, ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता मर गए या स्वर्गवास, कहने का एक क्रम देखिए, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो, तुम्हारे पिता का स्वर्ग में पदार्पण हो गया है, इसका मतलब पदोन्नति हो गई। ऊपर की ओर हम गमन करते हैं ना, पृथ्वी स्वर्ग फिर ब्रह्मलोक सब ऐसे करते, तो मतलब भरत जी को कष्ट ना हो इसलिए कह रही हैं, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो, तुम्हारे पिताजी का स्वर्ग में प्रवेश हो गया। जैसे ही भरत जी ने इस बात को सुना, भरत जी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इसने कौन सी बात बना ली जिसके सामने मेरे पिताजी की मृत्यु कछुक काज हो गई। तात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगारे हो। भरत जी के मन में निरंतर यही प्रश्न चल रहा है, इसने काम बनाया कौन सा जिसके आगे मेरे पिता की मृत्यु छोटी सी बात हो गई। भरत जी धरती पर गिर पड़े। तात तात हाँ तात पुकार, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, हे तात,
पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हुमो ही, तात न राम ही सौंपे हुमो ही, चलत न देखन पायो, चलत न देखन पायो। भरत जी के मन में दो कष्ट है। पहला कष्ट यह है कि मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, और एक पुत्र के लिए इससे बड़ी शोक की बात क्या हो सकती है कि पिता का अंतिम दर्शन न कर पाए। पहला कष्ट इस बात का है कि चलत न देखन पायो तो ही, और दूसरा कष्ट इस बात का है कि पिताश्री अगर जाना ही था तो मेरा हाथ राम जी के हाथों में सौंप कर जाते, मुझे अनाथ करके क्यों चले। अगर जाना ही था तो तात न राम ही सौंपे हूं ही, राम जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप के जाते, मुझे अनाथ करके क्यों चले गए। विलाप करने लगे, किसी प्रकार अपने आप को संभाला, और भरत जी कहते हैं कि मां मुझे पिता की मृत्यु का कारण बताओ। जैसे ही भरत जी ने यह कहा मुझे पिताजी की मृत्यु का कारण बताओ, आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कैकेयी ने आदि से अंत तक की पूरी अपनी करनी प्रसन्न मन से भरत जी को बता दिया, और जैसे ही भरत जी ने उसकी पूरी बात को सुना, भरत जी धरती पर गिर पड़े, बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया, जितने जितने तंतु थे सब शिथिल पड़ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शांत, बिल्कुल निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं। यह अनुभव हम करके देख सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं किसी को जब बहुत गहरा आघात लगता है तो उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, हल्की सी चोट लगे तो इंसान चिल्लाता है, लेकिन गहरा आघात लगता है ना तो उसके मुख से आवाज निकलना बंद हो जाती है। आज भरत को इतना गहरा आघात लगा है कि भरत निश्चेष्ट हो गए। कैकेयी को लगा कि इनको पिताजी के मरने का दुख है, तो कैकेयी उनको समझाने लगे, हे तात, तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं थे, सुकृत किया था उन्होंने जो तुम जैसा पुत्र हुआ, और अब तो स्वर्ग में रह रहे हैं, उनके लिए क्या चिंता करना। सुत ही ससोच देख ही समझावती, पुत्र को शोक देख शोक शोकाकुल देख के समझा रही है, और गोस्वामी जी कहते हैं मनहु जरे पर लोन लगा, ऐसा लग रहा है मानो जले पर नमक छिड़क रही है। जलना और कोई जल जाए आग से, अनुभव करिए उस पीड़ा को। आग से जला हुआ व्यक्ति, उस थोड़ी सी भी आग से हाथ जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। एक तो पहले ही असह्य पीड़ा भरत जी को, और ऊपर से कैकेयी जी समझा करके नमक और छिड़क रही है। मनहु जरे पर लोन लगा, निष्ठुरता की पराकाष्ठा। मनहु जरे पर लोन लगावती, मानो जरे पर नमक छिड़क रही है। और तब जब भरत जी को इस प्रकार समझाने लगी, भरत जी को बड़ा क्रोध है। पापिनी सब ही भांति कुल ना, भरत जी बोल पड़े, अरे पापिनी, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया,
जो पे कुरुचि रही अति तो ही तो जनमत काहे न मारे मोह। अगर तेरे मन में इतनी ही कुरुचि थी तो जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। पेड़ काटी तय पालो सी, तूने पत्ते को सींचने के लिए पेड़ को काट दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, मुझे ऐसे सुंदर सूर्य वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसे पिता मिले, राम लखन जैसा भाई मिला, और जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बसा, और मां के रूप में मुझे तू मिली। दशरथ जैसे पिता, सूर्य जैसा वंश, राम लखन से भाई और मां मुझे तू मिली। सही कहा है, विधि से किसी का बस नहीं चलता है। जो पे कुमति कुमत जी अठय, खंड खंड हुई हृदय न गयो। तेरे मन में जब ये कुमति आई, तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। बहुत जोर से फटकार लगाया भरत जी ने। बर मांगत मोह भई नहीं पीरा, बर मांगत मोह भई न पीरा, करि न जीह मोह परे न कीरा, करि न जीह मोह परे न कीरा, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत का है ना मारे मोही, जनमत का है ना मारे मोही। वरदान मांगते हुए तेरे मुंह में पीड़ा नहीं भई, तेरी जिह्वा कट करके गिर नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, ऐसा वरदान मांगते हुए। हे पापनी, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। बहुत कठोर वचन, बहुत कठोर वचन। कुछ लोग कहते हैं कि भरत जी के यश चंद्र में ये एक दाग है, श्यामता है। मैं तो कहता हूं इस श्यामता पर सौ सौ शुभ्र चंद्र न्यौछावर हो जाए महाराज। अगर ये श्यामता ना हो तो प्रेमी का आनंद कहां। और ये श्यामता भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये श्यामता है राम प्रेम की श्यामता। लंका, लंका में सुबेल पर्वत पे बैठे राम जी ने जब सबसे पूछा कि ये चंद्रमा में जो कालिमा है ये क्या है, सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। अंगद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का सार भाग लेके रति को दे दिया, इसलिए कालिमा हो गई। सुग्रीव ने कहा पृथ्वी की परछाई दिखाई पड़ रही है, नए नए राजा बने थे ना, इसलिए पृथ्वी दिख रही थी। विभीषण ने कहा मारे हु लात ससी ही कह को, विभीषण ने कहा किसी ने लात मार दी है चंद्रमा को, तो रावण की लात पड़ी थी ना, इसलिए उनको वही दिखाई पड़ रहा है। पर सबने जब हनुमान जी से पूछा, प्रभु ने कहा हनुमान तुम्हें ये कालिमा किस रूप में नजर आती है, हनुमान जी ने कहा कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार निज दास, तव मूर्ति विधुर बसती सोई श्यामता भा। हनुमान जी कहते प्रभु
चंद्रमा तो आपका दास है और आपकी ही श्याम मूर्ति को अपने हृदय में छिपाए हुए है। आपकी श्याम मूर्ति उसके हृदय में बसती है, ये वही श्यामता दिखाई पड़ रही है, ये राम प्रेम की श्यामता है। तो भरत जी के यश चंद्र में ये जो श्यामता है, ये राम प्रेम की श्यामता है। प्रेमी को इतना समय कहां कि वो निरीक्षण परीक्षण करे। प्रेमास्पद पर कष्ट आया और कष्ट देने वाले पर बरस पड़ा। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था और उस विष का पान किया भोलेनाथ ने, अमर हो गए। अमृत का पान करने वाले देवता अमर नहीं हो पाए और विष पीने वाले भोलेनाथ सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए, क्योंकि वो कृपालु हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया तेहि न भजसी मन मन को कृपालु शंकर को कृपालु शंकर को कृपालु शंकर। जरत सकल सुर वृंद, सारे देवता जल रहे थे, भोलेनाथ ने उस विष का पान कर लिया। कौन होगा कृपालु? शिव के जैसा। तो समुद्र मंथन में कृपालु शिव ने विष पिया और भरत समुद्र मंथन में कृपा मूर्ति कैकेयी ने विष का पान किया और वो कैकेयी भी अमर हो गई सदा सर्वदा के। राम जी विष उसे पिलाते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, भगवान राम को लगा कि भोले बाबा को सब संहार का देवता समझते हैं, जरा इनकी कृपा का भी दर्शन तो समाज को करवाओ। तो भोले बाबा की कृपालुता का दर्शन, उनकी दयालुता का दर्शन कराने के लिए राम जी ने उनको विष पान कराया। तो जैसे भोलेनाथ विष पी के अमर हो गए, वैसे कैकेयी जी भी भरत समुद्र के मंथन से जो विष निकला उसको पान करके अमर हो गए। पापिनी सब ही भांति कुल नाशा, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। और कैकेयी जी निस्तब्ध स्तब्ध खड़ी रही। कैकेयी जी को लगा कि मैंने क्या सोच के किया था, क्या हो गया। भरत की रीति है, कोई राम की शरण छोड़ के आए तो उस पे ऐसा प्रहार करो कि फिर राम जी की ओर चला जाए। भरत जी ने ऐसा प्रहार किया कि कैकेयी का प्रेम राम जी के चरणों में पुनः स्थापित हो गया। और उसी समय मंथरा का प्रवेश होता है, कुबरी का प्रवेश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेही अवसर कुबरी तहाई, तेही अवसर कुबरी तहाई, तेही अवसर कुबरी तहाई, तेही अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाए, बसन विभूषण विविध बनाए, लखी रिस भरे लखन लघु भाई, लख रिस लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई,
वसन विभूषण विविध बनाए और जैसे ही मंथरा को देखा क्रोध आ गया। किसको? लखन लघु भाई। आज शत्रुघ्न जी का परिचय किस रूप में गोस्वामी जी दे रहे हैं? लखन लघु भाई, क्योंकि आज वही कार्य करना है जो लक्ष्मण जी करते हैं, इसलिए लिख रहे हैं लखन लघु। हुमक की लात तक कुबर मारा, इतना क्रोध आया कि हुमक करके लात मारा, गिरी, मुंह फूट गया, दांत निकल गए बाहर और चिल्लाने लगे, आह दैव मैं काहन सावा। और जब भरत जी लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं भरत दयानिधि दीन छोड़ा, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। दयानिधि, भरत में प्रेम भी है और धर्म भी है। मानो भरत जी को लगा कि अगर हम इसको मारेंगे तो हमारे राम जी को कितना कष्ट होगा, हम तो सेवक हैं, सेवक को किसी को मारने का अधिकार कहां, इसलिए भरत जी ने तुरंत छुड़ा दिया, शत्रुघ्न छोड़ो, वैसे ही इतना अपराध हो गया है भैया, और अपराध मत करवा। भरत दयानिधि दीन छोड़ा, भरत दयानिधि दीन छोड़ा। कौशल्या पहिं गे दो भाई, कौशल्या गे दो भाई, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई। दया के निधान भरत जी ने उसको छुड़ाया और कौशल्या पहिं गे दो भाई से ही ये प्रसंग विश्राम लेता है। दोनों भैया कौशल्या के पास गए हैं। सुमित्रा जी ने कौशल्या जी से कहा, देवी भरत आया है। और जैसे ही कौशल्या जी ने देखा द्वार पे भरत, दौड़ पड़ी कौशल्या माँ, पर शरीर इतना कृशकाय हो गया है राम वियोग में कि रास्ते में ही उनको चक्कर आ गया और चक्कर आने से मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। भरत दौड़ पड़े और दौड़ करके भरत जी ने कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी कहते, मां अगर मेरा जन्म न होता तो तुझे ये वैधव्य का दिन नहीं देखना पड़ता, मेरे समान अभागा इस संसार में कौन होगा मां, गति ऐसी तोर मां तुझे ही लागी, जिसके कारण तेरी ऐसी गति हो गई। कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, सारी रात वो चर्चा चलती रही। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया, महाराज दशरथ का सब अंतिम संस्कार विधि विधान से संपन्न कराया और फिर एक सभा लगी। लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य है कि क्या होगा। सभा लगी है और उस सभा में वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने समीप बैठाया है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, और सबसे बड़ी बात वशिष्ठ जी ने सब मंत्रियों को पहले से समझा दिया है
कि देखो तुम्हें कब हमारा समर्थन करना है, सबको समझा दिया है। वशिष्ठ जी ने बोलना प्रारंभ किया और वशिष्ठ जी का स्पष्ट मत है कि भरत तुम्हारे पिता को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। वचनों के लिए तुम्हारे पिता ने राम को त्याग, राम को वनवास दे दिया और फिर राम के वनवास जाने के दुख में प्राणों को त्याग दिया। हे तात, तुम्हारे पिता को वचन प्रिय थे इसलिए तुम्हें पिता के वचनों की का पालन करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के भाषण में था शास्त्रों का उदाहरण, शास्त्रों की बातें। वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा, अनुचित उचित विचार तज जे पाल पितु बैं। जो अनुचित उचित का विचार त्याग करके पिता की वचनों का पालन करते हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं। तो वशिष्ठ जी का जो भाषण है शास्त्र सम्मत है और शास्त्रों के उदाहरण भी हैं उसमें। तनय जजाति जौवन दयौ पितु अज्ञान अघ अजस न भयौ। तनय जजाति जौवन दयौ पितु परशुराम पितु आज्ञा राखे मारी मातु लोक सब साखे। परशुराम पितु आज्ञा राखे। वशिष्ठ जी का स्पष्ट मत है कि भरत पिता के वचनों का पालन करो। शास्त्र से प्रमाण ढूंढ के ले आए वशिष्ठ जी, जजाति का उदाहरण दिया और भगवान परशुराम का उदाहरण दिया। शास्त्र का उदाहरण है और हर प्रकार से बस ये कह रहे हैं कि तुम पिता के वचनों को मान लो। अच्छा, भरत के स्वभाव को देखते हुए एक संशोधन ये है और वो संशोधन ये है कि राम के आने के बाद ये राज्य तुम राम को वापस कर दे। राम जब 14 वर्ष के बाद आ जाएं तो राम को दे देना। सचिवों ने समर्थन कर दिया, भरत जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब मां ने समर्थन कर दिया भरत जी व्याकुल हो गए। माताओं ने समर्थन किया, कौशल्या जी ने समर्थन किया तो भरत जी व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सानी सरल रस मातु बानी सुने भरत व्याकुल भय। सानी सरल रस मातु बानी सुने व्याकुल सानी
समात बानी सुने भरत व्याकुल भरे सुने भरत व्याकुल भरे सुने भरत व्याकुल भरे माँ के जब सरल रस से सने हुए वचनों को सुना तब भरत व्याकुल हो गए। माँ ने कह दिया पूत पथ्य गुरु आयसु है। हे बेटा गुरु की जो आज्ञा है वो पथ्य रूप है, मानो उसको। भरत जी ने निवेदन किया मां आप कह रही हैं गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, मेरा हृदय ऐसा कह रहा है, इस आज्ञा को मानने में पथ्य कम है, कुपथ्य ज्यादा। भरत जी ने कहा गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हें विश्व कर बदर समाना। गुरुदेव विवेक के सागर हैं और सारा विश्व जिनकी हथेली में ऐसे ही रखा है जैसे कोई बेर रख ले हाथ में। बेर जानते हैं ना, बेर है? जो सबरी जी ने राम जी को खिलाई, बेर जी नहीं विश्व कर बदर समान। तो भरत जी ने बेर से उपमा क्यों दी? बालकांड के प्रारंभ में जब वंदना कर रहे थे गोस्वामी जी, तब गोस्वामी जी ने लिखा संतों के लिए देखें तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। संतों को ऐसे ही विश्व का ज्ञान होता है जैसे उनकी हथेली में आंवला रख दिया जाए, तो आंवला चारों ओर से दिखता है। ऐसे ही संतों को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है चारों ओर से। तो आज भरत जी ने आंवले से उपमा न दे करके बेर से उपमा क्यों दी? बेर से उपमा इसलिए दी क्योंकि बेर जो होता है आयुर्वेद शास्त्र में बेर को कुपथ्य रूप माना गया। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। तो भरत जी का एक संकेत था कि मां आप कह रही हैं कि गुरुदेव पथ्य रूप बोल रहे हैं, पर मुझे तो लगता है कि गुरुदेव के वचनों में पथ्य नहीं कुपथ्य है। बड़ी बात है। क्यों बेटा तुम गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे? तुम वैद्य की आज्ञा नहीं मानोगे? सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। सतगुरु रूपी वैद्य आज रोग का निदान करने के लिए औषधि बता रहे हैं और तुम गुरु की बात नहीं मानोगे? भरत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया मां अगर गुरु अगर वैद्य अपनी ही बताई औषधि भूल जाए, अगर गुरु अपनी ही बताई औषधि भूल जाए तो उसको उस औषधि औषधि का ज्ञान कराना चाहिए कि जो मनमानी औषधि दे रहा है उसको खा लेना चाहिए? मैं कोई नवीन बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो वही औषधि बता रहा हूं जो गुरुदेव वशिष्ठ ने बताई थी, पर आज मोह के वशीभूत होकर गुरुदेव उस औषधि को बताना नहीं चाहते या भूल गए। मैं कोई नवीन बात नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव ने ही कहा था और उन्हीं की औषधि का मैं ज्ञान करा रहा हूं। बस क्या कहा था गुरुदेव ने? भरत जी ने कहा याद करिए सब लोग, जब मेरे पिता महाराज दशरथ राम जी को युवराज पद देने के लिए वशिष्ठ जी के पास आए थे तब वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? वशिष्ठ जी ने कहा था भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। हे दशरथ तुम्हारे पुत्र कौन है जानते हो? जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जासु भजन बिनु जासु भजन बिनु जर
मन न जाए। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयो तुम्हार तनय, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। भरत जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव को कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो गुरुदेव ने जो औषधि बताई थी बस उसी औषधि को बता रहा हूं। गुरुदेव ने ही कहा था कि हे महाराज, तुम्हारे पुत्र जो है ना, ये इनका भजन किए बिना जी की जरनी जाने वाली नहीं है। तो बस वही चीज तो मैं कह रहा हूं, आपने दारुण दीनता सब ही कहो समझा, वो देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जा। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जगन न जाए। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया कि रघुनाथ को देखे बिना मेरे जो हृदय की जलन है वो जाने वाली नहीं है। और ये औषधि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये गुरुदेव की बताई हुई औषधि है जिसे आज गुरुदेव मोह वसात मैं नहीं भुला सकता। मैं नवीन बात नहीं कह रहा हूं, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी ना जाए, बिना रघुनाथ के पदों को देखे जी की जरनी जाने वाली नहीं है। तो वशिष्ठ जी के भाषण में शास्त्रों का समन्वय है, धर्म की बात है, और वशिष्ठ जी की बात जब सुना सबने तो सबको लगा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन धन्य है भरत, जब भरत बोले तो भरत के बोलने के बाद तो पुरवासियों के आंख से आंसू बहने लगा, और पुरवासी कहते हैं धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, राम प्रेम मूर्ति तनुवाही, तुम तो राम के प्रेम की मूर्ति हो। देखिए वाणी जो होती है ना, अगर कंठ से निकलती है तो बड़ी कर्कश लगती है, तीन जगह से निकलती है ये वाणी जो है, एक तो होती है कंठ से, और जब वाणी कंठ से गले से निकली तो आदमी कहता है बस करो भाई हम नहीं सुन पाए। दूसरी होती है वाणी निकलती है मस्तिष्क से, और जब मस्तिष्क से खूब सोच समझ करके अलंकार पूर्ण भाषा में जब मस्तिष्क से ये वाणी निकलती है तो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। वशिष्ठ जी का भाषण इसका प्रमाण है। लेकिन वाणी के आने की एक तीसरी जगह है और वो है हृदय, और जब ये आवाज दिल से निकलती है तो सारे प्रमाण धरे के धरे रह जाते हैं। तो भरत जी बोले हैं तो हृदय से बोले हैं। वशिष्ठ जी की बातों में यद्यपि शास्त्रों का प्रमाण है, पर भरत की बात हृदय से निकली है इसलिए इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हृदय से बोले भरत, बचन अमीय जन बोरी दे तो उचित उत्तर सवई, अमृत में सनी हुई। अच्छा भरत हृदय से बोले, और भरत के हृदय में कौन है? भरत हृदय सिया राम निवास, भरत के हृदय में तो सीता राम जी का निवास है। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप कह रहे हैं मैं पिता के वचनों का पालन करूं, एक बात बताइए, पिता के वचनों का पालन करना ये धर्म है, पर गुरुदेव एक बात बताइए, पिताजी के वचनों का पालन राम जी ने किया और पिताजी को इतना कष्ट हुआ कि वो प्राणों को त्याग के चले गए,
तो ये कैसा धर्म का उपहास है कि जिन वचनों के कारण मेरे पिता को प्राण त्यागने पड़े हों, आप उन्हीं वचनों को पूर्ण करने के लिए मुझसे आग्रह कर रहे हैं। कैसा धर्म का उपहास किया जा रहा है? मेरे पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करने में मेरे पिता को इतना कष्ट हुआ कि प्राण चले गए, और आप कह रहे हैं कि मैं, मुझे तो लगता है मेरे पिता के प्राण क्यों चले गए बताऊं? मुझे तो लगता है मेरे पिता ने सोचा होगा कि प्राण नहीं त्यागूंगा तो भरत जैसे भाई द्रोही का मुख देखना पड़ेगा, मेरा मुख ना देखना पड़े, इसलिए मेरे पिता प्राण त्याग के चले गए। आप हमसे कह रहे हैं कि हम पिता के वचनों का पालन कर, अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बहन, वो ठीक है कि पिता के माता के वचनों को अनुचित उचित का विचार छोड़ के मानना चाहिए, लेकिन अगर बोलने वाला स्वस्थ है तो, अगर बोलने वाला अस्वस्थ है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। मान लीजिए किसी ने मदिरा पान कर ली हो, भांग खा लिया हो, और बेटे से कहे कि मुझे गंगा जी में प्रवाहित कर दे, तो बेटे का उत्तरदायित्व तो यह है कि पिता को अनुचित उचित का विचार त्याग के ले जाए, गंगा में प्रवाहित कर दे। अनुचित उचित का विचार त्याग के माता पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन तब जब आज्ञा देने वाला स्वस्थ स्थिति में हो। भरत जी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे पिता स्वस्थ नहीं थे, अगर स्वस्थ होते तो प्राणों का त्याग नहीं करना पड़ता। इसलिए धर्म के मर्म को समझे। वशिष्ठ जी जो बोलते हैं वो धर्म है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। भरत जी जो बोलते हैं वो धर्म का सार है। भरत जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव तात्कालिक समाधान से समाज का कल्याण नहीं होता है। आप तो तात्कालिक समाधान चाह रहे हैं, मुझे राजा बना देंगे। और कितनी बड़ी विडंबना है कि अयोध्या में इतनी घटनाएं घट गईं और सबने उसको स्वीकार कर लिया सहज रूप से। मुझे राजा बना के आप तात्कालिक समाधान करना चाहते हैं, पर विचार करिए, इतने संघर्ष के बाद जिस राजा का राज्य स्थापित हो वो क्या समाज की सेवा करेगा? चाहिए धर्म सील नर ना हो, चाहिए धर्म सील नर ना हो, कहूं सांची सब सुनी पतिया हो, चाहिए धर्म सील नर ना हो, कहूं सांची सब सुनी पतिया चाहिए धर्म सील नर ना, चाहिए धर्म सील नर ना, मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सीय राम बनवासो, मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सीय राम बनवासो, आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए, आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद के जरन न जा, मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगि सीय राम बनवासो, मोहि समान को
पाप निवासो जेहि लगि सी राम वनवासो। स्पष्ट भरत जी ने कह दिया, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी ना। और जितने अवधवासी थे सब प्रसन्न हो गए, धन्य हो भरत, धन्य धन्य हो। ऐसा लगा मानो संतप्त भूमि में कोई राम प्रेम की बरसात कर रहा हो, इतना आनंद आ रहा है। यद्यपि वशिष्ठ जी की बातों को सुन के सब मौन हो गए थे, कौन उत्तर दे, शास्त्र की बातें हैं, कौन टकराए। पर भरत बोले तो मानो भरत के साथ पूरी अयोध्या बोल पड़ी, धन्य हो भरत, धन्य हो, धन्य हो। अवसि चलिया बन राम जहां, भरत मंत्र बल दीन, शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम्हें अवलंबन दी, शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम्हें अवलंबन। अवश्य चलिए बन राम जहां, अरे हम अवश्य चलेंगे राम जहां बन में हैं। भरत मंत्र भल दी, भरत जी ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया है। और क्या मंत्र है भरत का, भरत जी का मंत्र क्या है? प्रात काल चली हूं प्रभु पाही, 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 एक ही आंख है एक ही हृदय मन माही। सारे अवधवासी प्रसन्न हैं और सब अवधवासी कह रहे हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। ये अवधवासी तो राम जी के साथ वैसे भी जा रहे थे, पर भगवान राम ने रोक दिया। ये अवधवासी सब जा रहे थे ना राम जी के साथ, कहां तक गए थे? तमसा तीर तक। पर जब तमसा के तीर पहुंचे तो राम जी ने सुमंत्र से कहा, खोज मारी रथ हाँकहु ताता, हे तात ऐसे इस रथ को चलाइए कि कोई जान ना पाए। और राम चले गए, अवधवासी रोते हुए वहां से चले आए। इस प्रसंग में मानो हमें सारे जीवों की गाथा दिखाई पड़ती है, समस्त जीवों की जैसे गाथा है। हम सब राम के साथ चलना चाहते हैं पर श्रमित हो जाते हैं, थक जाते हैं, भाव भूमि से उतर के शरीर की भूमि में आ जाते हैं तो वो राम भी अंधेरी रात में हमें छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो जानते हैं हमारी भावनाओं को कि हम में जो इतना प्रेम जग रहा है ना, ये भावनाओं के कारण है। पर वही समस्त अवधवासी जब आज भरत जी के साथ जा रहे हैं तब कौन रोक पाएगा इनको राम का दर्शन करने से। राम जी में भी भरत जी को छलने की सामर्थ्य नहीं है, यद्यपि भगवान छलिया हैं पर भरत को छल नहीं सकते। तो आज सारे अवधवासी कह रहे हैं कि प्रभु, आज मानो सारे अवधवासी भगवान से कह रहे हैं कि अब रोक सको तो रोक के दिखाओ अपना दर्शन कर। अकेले आ रहे थे तो आपने रोक लिया था, भरत जैसे संत के सानिध्य में आएंगे, अब रोक के दिखाइए। और यही जीवन का आनंद है,
कि भरत जैसे संत का अगर हम साथ कर लें तो राम जी को भी हमें दर्शन देना ही पड़ेगा। अकेले दर्शन संभव नहीं है, अकेले यदि जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे। भरत जी में नींद कहां है और भरत जी में श्रम कहां है। इसलिए भरत चरित्र ये सीख देता है कि अकेले राम का दर्शन न करें, भरत जैसे प्रेम मूर्ति संत के साथ चले राम का दर्शन करने के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा। स्वयं राम को भी हृदय से लगाना पड़ेगा, राम जी में भी सामर्थ्य नहीं है कि छल सकें भरत का साथ करने पर। इसलिए तुलसीदास जी जब राम और भरत की बात आती है, तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम जी के साथ नहीं रहूंगा, मैं भरत जी के साथ रहूंगा, भरत जी के साथ। सब प्रसन्न हो गए और सब अपनी अपनी संपत्तियों की, कुछ लोग सुरक्षा करने लगे संपत्ति की, घर की, और कुछ कहते हैं जर जाए। जरउ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहज। जर जाए वो संपत्ति वो सब, जाके प्रिय न राम बैदे ही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। कुछ लोग कह रहे हैं घर संपत्ति जर जाए, और कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं घर की रक्षा करके चलो। तो कुछ रागी हैं और कुछ त्यागी हैं। और भरत जी कैसे अद्भुत हैं, भरत जी में राग भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। त्याग क्यों नहीं है, क्योंकि त्याग तो तब होगा जब हम किसी वस्तु को अपना मानेंगे। अयोध्या वासियों को लगता है कि ये घर मेरा है तब तो त्याग कर रहे हैं, हालांकि वो भाव उच्च है, लेकिन उससे भी ऊंचा भाव है भरत का कि त्याग किसका करें, जब अपना कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका करें। यमुनाचार्य जी ने एक पद लिखा है, उसमें वे कहते हैं कि प्रभु आज मन करता है आपको कुछ समर्पित करूं। बहुत विचार करने के बाद फिर यमुनाचार्य जी ने कहा कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं दोगे भाई, तो यमुनाचार्य जी कहते हैं बहुत सोचने विचारने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा कुछ है ही नहीं तो दूं क्या, किम नु समर्पयामि ते, क्या समर्पित करूं आपको, सब कुछ तो आपका है। इसलिए संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तो परिणाम न मोर भला, पाप सिरो मणि साई दुहाई। ओ परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मणि साई दुहाई। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो सब रघुपति के आई, जो बिन जतन चलो तजिताही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, भाव के साथ सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 कमला विमला मिथिला धाम अवध सर कमला विमला मिथिला धाम अवध सर यू सीतारा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम मुझे सहारा तेरा राम अपनी शरण में ले लो राम मुझे का ये जो पावन चरित्र है भरत जी का जो प्रेम समुद्र के समान जो हृदय है उसमें से दो चार बूंदे ही हमारे हृदय में आ जाएं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार भरत चरित्र का चिंतन करें। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। कल से पुनः हम लोग भरत जी महाराज के साथ यात्रा करेंगे। सभी लोग ठीक समय पर आए और भगवान की कथा का आनंद लें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरे ओम चंद्रमा मन सो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायस्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। सेवा श्रीमती संतोष अग्रवाल 2100 रुपए की है। हम स्वर्गपुरी आश्रम की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं और कथा का आनंद लेते हुए आरती प्रसाद ग्रहण करते हुए सभी लोगों का धन्यवाद। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।
आरती उतार कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल चरण में सदा निहारूं युगल चरण में सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भाग सो भित जग जननी वाम भाग सो भित जग जननी चरण विराज है सुतंजनी चरण विराज है सुतंजनी इन जगदन आरती उतारूं